हेलो दोस्तों, अगर आपके पास बने हुए चावल बच जाएं तो उनका बनाएं फ्राई राइस, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और झटपट के बनकर के तैयार हो जाता है। वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। ये मेरे चावल हैं जो कि बच गए थे। ये मैंने बारीक प्याज चॉप कर लिया है, एक लाल मिर्च जिसे मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, कुछ कड़ी पत्ता और एक हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया है। मैं इसमें एक बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, उसमें जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च जिन्हें मैंने तोड़ कर रख लिया था, और प्याज, इन्हें मैं हल्का फ्राई कर लूँगी जब तक कि हमारी प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ जिससे कि हमारी प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखो प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब क्या करना है, जो चावल बचे हुए थे वो इसमें डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारे फ्राई राइस बनकर के तैयार हैं और ये ओनियन फ्राई राइस है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। ये देखो कितने अच्छे बने हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार इस वीडियो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर बचे हों आपके घर में भी ऐसे ही चावल, तो इस तरीके से आप ओनियन फ्राई राइस बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। अगर मेहमान आए हों तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।